अजीत डोभाल जी ने यह योजना आर्मी पे थोपी है, क्यों नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते, पार्लियामेंट में थोड़ी है वो, क्यों नहीं ले सकते? क्या बात कर रहे हैं? ये तर्क है, बाद में अडानी के लिए भी यही बोलने वाले हैं, फिर ये तर्क है इनका। तो आपने भी बोला कि अग्निवीर देश को फायदा पहुंचाएगा, मगर हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। उनने हमसे कहा कि पहले हमें 15 साल की सर्विस मिलती थी, पेंशन मिलती थी, अब 4 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है, ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है। मैं नहीं कह रहा कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड है उन्होंने हमें कहा, राहुल जी हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं, बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। तो उनके मन में था कि ये जो अग्निवीर योजना जो है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है, और मुझे नाम भी बताया कि अजीत डोभाल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है, क्यों नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते, पार्लियामेंट में थोड़ी है वो, क्यों नहीं ले सकते? क्या बात कर रहे हैं? ये तर्क है, बाद में अडानी के लिए भी यही बोलने वाले हैं, फिर ये तर्क है इनका। तो इंटरेस्टिंग बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने फिर प्रेसिडेंट्स एड्रेस पढ़ा, देश के सब युवा अग्निवीर 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 बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आर्मी के ऊपर थोपा गया है, हमें नहीं चाहिए, आर्मी के लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, आर्मी को लगता है कि होम मिनिस्ट्री ने इनके ऊपर थोपा है, आरएसएस ने ये उनके ऊपर थोपा है। तो ये आवाजें आ रही हैं। अब मैंने आपका बोलिए तो एक फर्क, ये थोड़ा पानी लिया मैंने पानी, तो मुझे एक फर्क दिखा। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में बहुत सारी चीजें बोली गई, अग्निवीर के लिए एक लाइन थी, एक शब्द, एक बार अग्निवीर शब्द का प्रयोग किया गया, और वो भी अग्निवीर योजना हमने दी, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला, कहां से आई, कौन लाया, किसको फायदा होगा, ये नहीं बोला, बेरोजगारी शब्द ही नहीं था उसमें, आपने देखा होगा बेरोजगारी शब्द ही नहीं था प्रेसिडेंट एड्रेस में, महंगाई शब्द ही नहीं था। तो जो यात्रा में हमें सुनने को मिला, अग्निवीर, महंगाई, किसान, बेरोजगारी, प्रेसिडेंट एड्रेस में था ही नहीं, तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा कि जनता कुछ कह रही है और प्रेसिडेंट एड्रेस में कुछ और सुनाई दे रहा है।